दोस्तों हार्दिक पांड्या नताशा स्टोनोवी का तलाक कंफर्म हो चुका है। ये अटकल अभी तक लगी हुई थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि दोनों का तलाक होने वाली है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ खत्म हो रहा है। मुंबई इंडियन के साथ निराशाजनक आईपीएल 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब उनके निजी जीवन में भी तूफान आया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में शामिल हार्दिक के निजी जीवन में इस तरह का क्लैश होना ठीक नहीं है। हार्दिक की वाइफ नताशा स्टोनोविक ने जब से कोई सड़कों पर आने वाला है इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है, तब से यह अफवाह फैल रही है कि हार्दिक और नताशा के बीच तलाक हो गया है। हालांकि दोनों ने अब तक इस मामले पर आधिकारिक रूप से तो बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी तलाक की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हार्दिक और नताशा के बीच तलाक की खबरों के बीच बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों के बीच करीब 6 महीने से तनाव चल रहा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गुजारा भत्ता वाले हिस्से को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। बॉम्बे टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले में कहा कि पिछले 6 महीनों के उनके बीच तनाव चल रहा है, अब इस कपल के अलग होने की संभावनाएं हैं। हालांकि गुजारा भत्ता के प्रतिशत वाली चीजें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, इस तरह की खबरें झूठी है। यानी कि जो 70% हिस्सा था वो 70% नहीं देनी होगी। नताशा और हार्दिक के बीच तलाक को लेकर अब तक सिर्फ अटकलें ही लगाई गई थी, लेकिन हालांकि दोनों ने एक दूसरे की स्टोरी भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट नहीं किया है। और हाल ही में नताशा ने अपने इंस्टाग्राम बायो से पांड्या सरनेम को भी हटा दिया, जिससे कि तलाक की अटकल और भी ज्यादा तेज हो गई है। नताशा इससे पहले हर मैच में हार्दिक को चेयर करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती थी, लेकिन हाल के समय में उन्हें कहीं भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हार्दिक और नताशा के बीच तलाक की खबरें काफी तेज हो गई है। हालांकि दोनों ने अभी तक इस पर कुछ भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया। हार्दिक की नताशा के टाइम के एक साथ नहीं अच्छा चल रहा है। और आखिरी बार फरवरी को यानी कि 14 फरवरी को फोटो शेयर की थी, इसके बाद दोनों ने कभी साथ दिखाई दिए और ना ही कभी एक दूसरे का फोटो पोस्ट किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नताशा स्टोनोविक और हार्दिक पांड्या में कौन सही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।